जीएमटी के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बैक गियर मैकेनिज्म यानी डबल गियर मैकेनिज्म का वीडियो लेकर आए हैं। लेथ मशीन के आरपीएम को कम करने के लिए और टॉर्क बढ़ाने के लिए बैक गियर प्रोवाइड किया जाता है। अभी ये मशीन सिंगल में चल रहा है। इसके बैक गियर को एंगेज करने के लिए और डिसएंगेज करने का सही तरीका हम आपको बताएंगे। ये मशीन की स्पीड अभी काफ़ी हाई है। ये मशीन को जैसे ही आप बैक गियर में एंगेज करेंगे, इसका स्पीड भी काफ़ी कम हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने मशीन को सिंगल में चला के रखा है। अभी हम आपको मशीन को डबल में कैसे करना है ये दिखाएंगे। सबसे पहले प्रोटेक्टिव गियर कवर को खोलें और डबल के गियर पिन को हमें अनलॉक करना है। सबसे पहले इसमें हमें दिए गए बोल्ट को अनलॉक करना है और बोल्ट को हमें बाहर निकालना है। पर एक चीज़ आपको याद रहे कि नट को हमें टाइट करना है, इसलिए आपका बोल्ट मशीन के अंदर गिर ना जाए। फिर पुली को हाथ से घुमाकर डबल के लॉक पिन को हमें बाहर निकाल के डबल के लॉक पिन को घुमाना है। वो एक ग्रब होल में जाके वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। जब तक आपको एक बैठने का साउंड ना मिले, तब तक ग्रब होल के पिन को घुमाना है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग भूल जाते हैं और उसी की वजह से मशीन डबल में चिपक जाता है। दिखाए गए पुली में हमने दो ग्रब बोल्ट दिए हैं। वो ग्रब बोल्ट को खोलकर हमें उसके अंदर पुली में ऑयलिंग डालना होता है। ये ऑयल ना डालने की वजह से ही मशीन डबल में चिपकता है। जब भी आप मशीन को डबल में यूज़ करें, ये ऑयल आपको हमेशा डबल में डालने से पहले करना है। दिखाए गए होल में आपको ऑयल कैन से एक साइड से ऑयल डालना है और वो तब तक डालना है जब तक दूसरी साइड से ऑयल बाहर ना आ जाए। दूसरी साइड से ऑयल बाहर निकलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फिर वो ग्रब बोल्ट को आप वापस टाइट कर दीजिए। फिर आपके एंगेज डिसएंगेज लीवर से आपको पुली को एंगेज करना है। समझिए, आपका लीवर जाम चल रहा है या लीवर आपका एंगेज नहीं हो रहा है, तो दिखाए गए तरीके से भी आप लीवर को एंगेज कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे का बैक गियर आपका घूमने लगा। चक के नीचे दिए गए ऑयल कैन में भी आपको रेगुलर ऑयलिंग करना है।
सेम प्रोसीजर डिसंगेज करने के लिए आपको बोल्ट को टाइट करना है और लॉक पिन को वापस घुमा के उसके आइडियल पोजीशन में लगा देना है। अगर आपका मशीन डबल में रेगुलर चलता है तो आपको ऑयलिंग डेली करना पड़ता है। काफ़ी लोग डेली ऑयलिंग नहीं करते हैं, इसी वजह से मशीन डबल में चिपक जाता है।